डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने वाले कोटा शहर में 16 साल की एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली और 80 साल के मंत्री ने कहा प्रेम प्रसंग में मर गई। लड़कियां सिर्फ प्यार में नहीं मरती मंत्री जी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और बड़ा भावुक विषय है, 6-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लूंगा, लेकिन मेरा आग्रह है कि मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा और आपको ठीक लगे तो, क्योंकि पसंद शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा इस वीडियो के लिए, आपको ठीक लगे जो मैं तर्क दे रहा हूं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। राजस्थान का कोटा शहर, देश भर के बच्चे यहां भविष्य बनाने आते हैं। लाखों की संख्या में माँ बाप अपना पेट काट, खेत बेच, घर रहन रख अपने बच्चे बच्चियों को कोटा भेजते हैं। कोई नीट परीक्षा की तैयारी करता है तो कोई IIT में जाने का सपना पालता है। बच्चों पर पढ़ाई का बोझ होता है, माँ बाप पर फीस का बोझ होता है। ऐसे में कुछ बच्चे टूट जाते हैं, वो अपना दर्द किसी से शेयर नहीं कर पाते, माँ बाप के सपनों को तोड़ना नहीं चाहते, कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। इस साल तो अब तक 25 से ज़्यादा बच्चे इस तरह खुदकुशी कर चुके हैं। ताज़ा मामले में झारखंड से आई एक 16 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली। जब बच्ची आत्महत्या कर रही थी तब कोटा में ही चंबल नदी रिवर फ्रंट का उद्घाटन हो रहा था। करीब 1,500 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा से ही आते हैं। वो कह रहे थे कि रिवर फ्रंट बनाने से कोटा में पढ़ाई कर रहे बच्चों को भी बड़ी मानसिक राहत मिलेगी। हालांकि हम ये आपको बताते चले कि रिवर फ्रंट में प्रवेश की शुल्क 100 रुपया चुकाना पड़ेगा। उसी दौरान एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। धारीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों को सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बगल में बैठे थे। कोटा में बढ़ती आत्महत्याओं पर उनसे सवाल पूछा गया तो मंत्री जी ने फरमाया, लड़की के कमरे में सुसाइड नोट मिला है और ये मामला प्रेम प्रसंग का दिखाई पड़ता है। उधर पुलिस ऐसा कोई खत मिलने से इनकार कर रही है। पुलिस ने शुरुआती जांच में किसी तरह के प्रेम प्रसंग से भी इनकार किया है। अब आखिर में सवाल उठता है कि 80 साल के पोते पोतियों वाले शांति धारीवाल ने प्रेम प्रसंग की बात क्यों की? क्या लड़कियां केवल प्यार में मरती हैं? हैरानी की बात है कि बगल में पोते पोतियों वाले संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठे थे जो चुप रहे। उन्हें कम से कम अपने मंत्री को टोकना तो चाहिए था। आखिर उनकी सरकार ऐसे खुदकुशी के मामलों को गंभीरता से ले रही है। खुद गहलोत ने कोटा में शिक्षा की फैक्ट्रियां चलाने वालों से पिछले दिनों बात की थी। घरों के पंखे नए डिजाइन के बनाए जा रहे हैं, काउंसलिंग की बात हो रही है, कोचिंग सेंटर वालों से हर रविवार परीक्षा लेने के नाम पर बच्चों को प्रताड़ित करने का जो चल रहा है उस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। कोचिंग सेंटर वालों से कहा जा रहा है कि वो पढ़ाई में अपेक्षाकृत कमजोर बच्चों को जो कंपटीशन सहन नहीं कर पाते, जो हिम्मत हार जाते हैं जिनके, तो उनके माँ बाप को वो साफ साफ कह दें कि वो अपने बच्चों को वापस ले जाएं। मोटी फीस के लालच में वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अभी तो सारा सवाल मंत्री धारीवाल का है। इस कदर कोई संवेदनहीन कोई कैसे हो सकता है? कितने अरमानों के साथ वो बच्ची नीट की पढ़ाई करने आई होगी। डॉक्टर बनकर अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करूंगी, इलाके के लोगों की सेवा करूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, आगे मौका मिला तो पढ़ाई करने विदेश जाऊंगी। लेकिन बच्ची अपनी ही सपनों के नीचे दब गई, तनाव झेल नहीं पाई, अपनी जान दे दी। भला 16 साल की उम्र में कोई मरता है क्या? ये उम्र तो लड़कियों के लिए तितली बनकर उड़ने की होती है। लेकिन शांति धारीवाल को तो राजस्थान मर्दों का राज्य लगता है, यहां बच्चियों का क्या काम? मंत्रियों की पोतियों को तो कोटा में पढ़ना नहीं है, मोटी मोटी किताबों से उलझना नहीं है, इनकी पोतियां क्या पढ़ पोतियां और उनकी भी पोतियों को चिंता नहीं करनी है। ऐसे में मंत्री जी उस 16 साल की बच्ची का दर्द क्या जाने। कितनी आसानी से कह दिया प्यार में मर गई। लड़कियां सिर्फ प्यार में नहीं मरती मंत्री जी, ये जो समाज आपने बनाया है, जो सिस्टम बनाया है, उससे भी टकरा कर कई बार लड़कियां मर जाती हैं। अगर देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती कि हर किसी को अपनी रुचि अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका मिलता, हर किसी को इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए नहीं जूझना पड़ता, हर किसी को अपने हिसाब से पढ़ने की आज़ादी मिलती तो लड़की को मरना नहीं पड़ता। मंत्री जी पहले ऐसा मौका लड़कियों को दीजिए,
उसके बाद बेहुदा किस्म की कोई बात कीजिए। फिलहाल तो उस बच्ची के माँ बाप से माफ़ी मांगिए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको नोटिफिकेशन के जरिए उसकी जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।